गुलबर्गा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार श्री राधाकृष्ण डोडमणि जी को जिताने में किस तरह कड़ी मेहनत की गई, आइए नजर डालते हैं कुछ अहम बातों पर। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 9 सीटें हासिल की है, तो वहीं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस उम्मीदवार श्री राधाकृष्ण डोडमणि जी 6,52,321 वोट्स लिए और 27,205 वोट्स की मार्जिन से जीत हासिल किए। श्री राधाकृष्ण डोडमणि जी की जीत गुलबर्गा शहर के लिए गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन गयी। कांग्रेस लीडर, कॉरपोरेटर, बिजनेसमैन और सभी कम्युनिटीज के लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई है श्री राधाकृष्ण डोडमणि जी को जिताने में। ऐसे ही कांग्रेस के लीडर और बिजनेसमैन खलील मकसूद अली साहब ने कड़ी मेहनत कर लोगों को कांग्रेस को वोट करने की अपील की। गुलबर्गा शहर का मशहूर एमके ग्रुप के बाबा नजर मोहम्मद खान साहब, सैयद अकबर इरफान साहब, आरिफ एमएटी साहब, अफान अली मकसूद साहब ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कई सारे ग्रुप मीटिंग कर कांग्रेस के हक में वोट करने के लिए लोगों को समझाया और साथ ही बाबा नजर मोहम्मद खान साहब ने कुल जमात यानी सभी जमात के जिम्मेदारों के साथ बैठक कर कांग्रेस की जीत को अंजाम दिया। कुल जमात के सभी जिम्मेदारों के साथ जुड़कर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सीडम, चितापुर, जवरगी और अफजलपुर जैसे गांव में कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग कर लोगों को कांग्रेस के हक में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने को कहा। बाबा नजर मोहम्मद खान साहब हमेशा से कांग्रेस के हक में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाते आ रहे हैं, चाहे वो असेंबली चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। बाबा नजर मोहम्मद खान साहब हमेशा से कांग्रेस को जिताने में आगे रहे हैं। कांग्रेस के श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी को जिताने के लिए बाबा नजर मोहम्मद खान साहब ने 7,000 से भी ज्यादा कैडर को लेकर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ और साउथ इलाकों में कांग्रेस को जिताने के लिए कैंपेनिंग चलाई। बाबा नजर मोहम्मद खान साहब ने कुल जमातों के साथ मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग करवाई और लोगों को कांग्रेस के हक में वोट क्यों देना चाहिए ये समझाया और साथ ही कांग्रेस के लीडर्स और यूथ वर्कर्स के साथ जुड़कर शहर के कई सारे वार्ड्स में पैदल यात्रा और मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सभी को श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी को वोट कर लोकसभा चुनाव में जिताने को कहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बाबा नजर मोहम्मद खान साहब ने सभी जमात और सभी कम्युनिटीज के लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कड़ी मेहनत कर श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी को जिताया। इस लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और यूथ ने भी कांग्रेस को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं कांग्रेस के एमएलए कनिष फातिमा, कांग्रेस के कॉरपोरेटर और लीडर्स ने डोर टू डोर शहर के सभी इलाकों में कैंपेनिंग कर श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी को वोट करने की अपील की। माइनॉरिटीज के दलित, ओबीसी समाज के लोगों ने आसपास के सभी इलाकों का दौरा कर लोगों को श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी को वोट कर लोकसभा चुनाव में जिताने को कहा और साथ ही गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ के खवातीन, मर्द और नौजवानों ने भी कांग्रेस के उम्मीदवार श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी को जिताने में कड़ी मेहनत किए हैं, जिसके बाद गुलबर्गा नॉर्थ से 50,000 से भी ज्यादा वोट्स की लीड कांग्रेस पार्टी को मिली है। इन सभी की मेहनत के बाद श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी को जीत हासिल हुई और ये जीत हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गयी। श्री राधा कृष्ण डोडमणि जी ने गुलबर्गा के सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उन्हें जिताने में कड़ी मेहनत किए हैं।